ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के अनुसार से क्या कुछ होने जा रहा है आपके साथ, उसको तो हम लगातार आपके बताते ही रहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं कि जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए, नव संवत आरंभ हुआ है अभी। सबसे पहले तो आप सबको नव संवत की बहुत बहुत शुभकामना। इस वक्त पिंगल नाम का संवत जो आरंभ हुआ है वो आपके जीवन में कल्याण के योग बनाए, आप सबके लिए शुभ हो। भारतीय संस्कृति में महाराज विक्रमादित्य के बाद से ये चैत्र इत्यादि संवत का जो आरंभ हुआ है, आज उसकी आयु करीब करीब 2080 वर्ष हो गई है। और ये नव संवत जो आरंभ हुआ है उसके दृष्टिकोण से हमने एक विचार रखा कि हम हर ग्रह के दृष्टिकोण से गोचर में उसका क्या प्रभाव रहेगा, उसके ऊपर कुछ वीडियोस आपके समक्ष उपस्थित करें। तो उसी सीरीज में आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए। जो संवत 2080 है वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। देखिए, राहु एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। राहु आमतौर पर इस बात समझना चाहिए कि एक ऐसा नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर ग्रह माना जाता है। सूर्य से भी ज्यादा प्रबल जो प्रभाव है उस ग्रह का माना जाता है राहु का। राहु जो है छाया ग्रह एक तरह से, और कहा जाता है कि राहु की दृष्टि नहीं खराब करती, राहु की युति खराब करती है। और इस वर्ष में दो बार बड़ी विचित्र प्रकार की युति बनने वाली है। दोनों इसी महीने में आरंभ हो रही है। और जैसा अभी आप समझे कि जब नव संवत आरंभ हुआ है उसके बाद से अभी बृहस्पति अस्त होने वाले हैं 31 तारीख से, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन बृहस्पति की युति राहु के साथ होने वाली है 21 अप्रैल को। ये गुरु चांडाल योग बना देगा। ये गुरु चांडाल योग आपके सप्तम भाव में जो बनेगा ये बड़ा ही आपको पूर्ण लाभ देने से वंचित कर सकता है। और ऐसे में राहु जो है वो लगातार पिछले करीब करीब एक वर्ष से आपके सप्तम भाव में ही चल रहे हैं, जिसके कारण से राहु का प्रभाव जो होता है शुभ नहीं है। राहु का प्रभाव आमतौर पर तीसरे भाव में, ग्यारहवें भाव में, इनमें तो शुभ माना जाता है। लेकिन जहां राहु इस वक्त चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में विशेष तौर पर, वो शुभ नहीं है। वो विशेष तौर पर कई प्रकार के परेशानी उत्पन्न करने के योग हो सकते हैं। आपके अपने व्यक्तित्व के अंदर कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं कि अनमनापन उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ साथ आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से ये ग्रह आपके जीवन में, व्यवसाय में ये ग्रह आपके विशेष तौर पे कुछ अंकुश उत्पन्न कर सकता है कि पूर्ण लाभ नहीं होने दे रहा है। इतना सुंदर बृहस्पति का योग बना हुआ था, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सफलता के योग बना रहा था, लेकिन राहु ने वहां आपके पर्सोना पे, आपके पर्सनैलिटी पे कुछ प्रभाव ऐसा उत्पन्न कर दिया कि जो पूर्ण लाभ नहीं होने दिया। और अभी करीब करीब 6 महीने 31 अक्टूबर तक राहु यहीं रहने वाले हैं इसी राशि में। और इसी राशि में बृहस्पति का परिवर्तन जो 21 अप्रैल को होने जा रहा है वो गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देगा और ऐसा स्थिति उत्पन्न कर देगा कि कुछ नया ऐसा कि सरमंडाते ओले पड़े हैं, यानी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और आपने ऐसी विपदा को सोच नहीं रखा है कि जो आप करने जा रहे हैं वो विपदा अननेसेसरी आकर आप पे हो सकती है। तो इसलिए पहले से प्रिकॉशन ये ले लीजिए कि जो जो आपने कंडीशंस जो है ऐसी नहीं सोची है कि ये भी आ सकती है, तो उसको भी नोट डाउन कर लें, उसका भी प्रोविजन पहले से क्रिएट कर लीजिएगा। यही ज्योतिष का लाभ है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने के आगे आने वाले समय में क्या योग है। तो आप समझ लीजिए राहु केतु के, राहु का और साथ में बृहस्पति का जो योग बनेगा, युति जो बनेगी 21 अप्रैल के बाद से, यही स्थिति उत्पन्न करेगी कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जिन भी स्थिति का व्यवस्था करा रहे हैं पहले उसको अच्छे से चेक कर पेन डाउन कर फिर उसकी व्यवस्था बना लें कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से रहेगा। और जो काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ इधर से पटक उधा पटक कुछ होने के योग दिखाई देते हैं, उससे पहले ही उसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। लेकिन 14 अप्रैल से फिर राहु की भी सूर्य के साथ युति होने वाली है, तो ये युति जो है किसी प्रकार भी ठीक नहीं है आपकी राशि के सप्तम भाव में। एग्रेसिव नेचर आपकी बढ़ जाएगी, काम होगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देगा ये ग्रह, अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन, और फिर वो परिवार में उत्पन्न होगी, जीवन साथी के साथ अनबन होने के योग बन जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये स्थिति ऐसी है राहु के साथ कई ग्रहों की युति इस वर्ष रहने वाली है। अश्विनी नक्षत्र में इस वक्त विशेष तौर पर राहु चल ही रहे हैं और जिस प्रकार से हमने समझाया आपको, तो उसके संबंध में कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास कर लेना चाहिए। सेहत के संबंध में भी विशेष तौर पर एक बात कह दे रहे हैं कि पेट से, विशेष तौर पर नाभि से नीचे, यानी गैस, गैस्ट्राइटिस संबंधी समस्या,
यूरिन संबंधित समस्या, ये ग्रह आपको परेशान कर सकते हैं, तो विशेष तौर पे इसका ध्यान रखने का आपको ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। उपाय क्या किया जाए? सबसे बढ़िया उपाय हम आपको एक बताते हैं, आप इन कष्टों को शारीरिक दृष्टिकोण से, तो आप एक उपाय नोट कर लीजिए, वो आपको बहुत लाभ देने वाला है। शारीरिक दृष्टिकोण से शाम के समय, देखिए संडे मंडे ट्यूसडे हर दिन के ग्रह के हिसाब से एक दिन है, जैसे मंगलवार का ट्यूसडे, विशेष तौर पर मंगल का दिन हो गया, बुधवार का बुध ग्रह का बुध का वार हो गया, बृहस्पति का विशेष तौर पर बृहस्पतिवार का दिन हो गया, तो इसी प्रकार से राहु और केतु का कोई दिन नहीं है। राहु केतु का समय माना जाता है, सूर्य उदय से पहले का जो एक घड़ी का समय है कभी 24 मिनट का, वो केतु का माना जाता है, और सूर्य अस्त के उपरांत करीब 24 मिनट का जो समय है वो राहु का माना जाता है। ये राहु का विशेष तौर पर समय है, ऐसे में इनके विशेष उपाय इन्हीं समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। मूली मिल जाएगी आपको बाजार से, मूली लेकर आप कोशिश ये करें किसी मंदिर में किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दिया करें, यह बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके कष्टों को दूर करने वाला। 31 अक्टूबर के बाद जब राहु परिवर्तित हो जाएंगे, केतु राहु दोनों परिवर्तित हो जाएंगे, उसके बाद तो बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव आपको बहुत बढ़िया होने वाला है इस संवत में, विशेष तौर पर इसलिए हमने आपको बताया कि तब तो बहुत बढ़िया, नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले जब ये 12वें और 6ठे में चले जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले 31 अक्टूबर से पहले पहले यहां पर ये युति जो है ये आपको कष्ट देने वाली है। एक उपाय और करने का प्रयास कीजिए, देखिए सूर्य का भी योग यहां बनने जा रहा है, तो आपके साथ तो एक काम कर सकते हैं, पूजा वाले 4 नारियल ले लीजिएगा, और वर्ष में जितनी करीब करीब 31 अक्टूबर से पहले पहले 5-6 संक्रांतियां पड़ेंगी, तो आप एक काम करें 4 पूजा वाले नारियल लेकर चलते पानी में आप अपने सिराने रख लीजिए रात को, और सुबह उनको चलते पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए। ये बहुत अद्भुत रूहानी उपाय है, आप इसको कर आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं, देखिएगा अवश्य आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। हिंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो, लेकिन कष्ट का योग है, आप देख लीजिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट भावों में आपके ग्रहों की युति होने जा रही है। सप्तम भाव युद्ध का भाव माना जाता है, बिजनेस का भाव माना जाता है, जीवन साथी का भाव माना जाता है, और लग्न पर इसका प्रभाव सीधा सीधा इन ग्रहों का पड़ने वाला है। और लग्न आप स्वयं है, आपका अपना पर्सनैलिटी, आपका अपना व्यक्तित्व और सब कुछ प्रभावित उससे हो जाता है लग्न के दृष्टिकोण से। तो हमने आपको एक सुझाव देने का प्रयास किया है, ये राहु का जो योग है किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, तो इस संबंध में कुछ उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, वो अवश्य करें, आपके कष्ट दूर होंगे। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप हमसे संबंध साध सकते हैं। धन्यवाद।